हेलो फ्रेंड्स, मैंने ये HP का है M126NW वायरलेस प्रिंटर ऑर्डर किया है। ई स्कैन वगैरह भी कॉपी, तो मैंने बहुत सारा रिसर्च किया तो मुझे पता लगा ये बहुत ही अच्छा प्रिंटर है। बट इसमें ये दो तीन चीज़ें नॉर्मल प्रिंटर से अपडेट किया है। ई प्रिंट है, स्मार्टफोन टैबलेट वगैरह से आप वर्चुअली एनीवेयर से प्रिंट कर सकते हैं। ये सबसे अच्छी चीज़ इन्होंने ऐड की है। इन्होंने जो पैकेजिंग मुझे बहुत बेकार लगी, इन्होंने पैकेजिंग कुछ आया ऊपर से नहीं दिया, बस ऐसे ही बना के दे दिया। टू लाइन कंट्रोल पैनल डिस्प्ले ऑटो ऑन ऑफ है, टेक्नोलॉजी दी है, ब्लूटूथ भी है, इथरनेट से भी करा सकते हैं, इजी आईडी कॉपी भी स्कैन है, वायरलेस है। अब भाई ऊपर ये तो इन्होंने ऐसे ही दे दिया है। ये मुझे करीब पड़ा है 18,000 के आसपास का मुझे पड़ा है। बट ये मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ बहुत इशूज़ आए मुझे रिसीव करने में, क्योंकि वो लोग प्रोडक्ट को वहाँ डिलीवर नहीं कर रहे थे। सबसे बड़ा इशू मैंने यही फेस किया कि लोग डिलीवर नहीं कर रहे थे। मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ, बाकी मैंने आपको दिखा दिया जो मेन मेन चीज़ें थे, चारों तरफ मैं दिखा देता हूँ क्या क्या है। सेम चीज़ें वो यही लिखी हुई है, पकड़ने के लिए है दोनों तरफ से, सिर्फ डिटेल्स दी हुई हैं। 21,000 का प्राइस उन्होंने मेंशन किया, बट आपको ये 18 से दो है। एक में वायरलेस वाला अगर आप चार्ज नहीं लेते हो तो आपको 15,000 का पड़ जाता है, लेकिन आप वायरलेस का लेते हो तो 18 का पड़ता है। तो मुझे वायरलेस चाहिए था इसलिए मैंने वायरलेस वाला ही ऑर्डर किया है। मैं ओपन करके आपको दिखाता हूँ। तो देखिए ओपन करते ही क्या क्या इन्होंने दे रखा है। ये केबल वायर USB से आप जो लैपटॉप में कनेक्ट करते हैं, और ये कनेक्टर USB प्रिंटर में कनेक्ट करने के लिए। दो चीज़ें इन्होंने यहाँ दे रखा है, ये ट्रे लगाने के लिए, क्योंकि ये ट्रे है ये तो मेन ऊपर का हो गया। इसे हटा के देखते इन्होंने क्या दिया है। ये है प्रिंटर जो कि पैक है, मैं इसे वो निकाल के दिखाता हूँ क्योंकि मुझे दोनों हाथों से पकड़ना पड़ेगा। फ्रेंड्स, मैं आपको दिखाता हूँ उसके अंदर क्या क्या है। ये मुझे पैम्पलेट मिला है जिसको आप पढ़ सकते हैं, बहुत सारी डिटेल्स इसमें दी हुई हैं। देखिए इसमें लिखा भी इन्होंने 8.3 KG का है, 18.3 IV, ये M126 और 127 M127 और N128 भी आता है जो कि 9.5 KG 25.3 है IV है। ये तो इसमें आप देख सकते हैं चार्जर कैसे कनेक्ट करना है, पूरा डिटेल दे रखा है। तो आप इसको मैनुअल एक बार पढ़ लेंगे तो आपके अच्छी अच्छा रहेगा, मैं इससे आपके ख़राब होने के चांस शुरू शुरू नहीं पड़ेंगे। ज़रूरी है मैनुअल ज़रूर पढ़ेंगे कभी भी आप मंगाएं तो। मैंने आपको इन्फॉर्मेशन के लिए बता दी, वरना मैं तो आपको दिखाऊंगा ही। ये इन्होंने एक CD दे रखी है जो कि आप यूज़ कर सकते हैं, अगर आपको CD सपोर्ट करता, नहीं तो आप लैपटॉप ऑनलाइन भी आप इसके सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर सकते हैं, कोई इशू नहीं सॉफ्टवेयर के लिए। तो इन्होंने पेपर छोटे छोटे दे रखे हैं, पढ़ लीजिएगा आपके हिसाब से। वेस्ट यूज़र का इलेक्ट्रॉनिक्स का भी दे रखा है, रिसाइकिलिंग के लिए भी आप हो सकता है कंपनी वाले प्रोडक्ट ले भी लेते हैं। मैंने देखा है कि आप मान लीजिए बहुत टाइम हो गया, ख़राब हो गया, रिसाइकिलिंग में आप डाल सकते हो। ये तो मैंने आपको दिखाई दिया था, तो ये है कनेक्ट करने के लिए। सब चीज़ें हो गई, CD वगैरह का कोई ऐसा यूज़फुल है नहीं क्योंकि मेरे में CD सपोर्ट नहीं करता। वैसे तो मेरे अलग से लगा सकते हो, लेकिन कौन इतना टाइम वेस्ट करें, सबसे अच्छा है ऑनलाइन आप डाउनलोड करो। अब मैं प्रिंटर को खोल के दिखा रहा हूँ फ्रेंड।
फ्रेंड्स ये है, मुझे खोलना पड़ेगा, ये ही सब हटाने पड़ेंगे, स्टिकर्स उन्होंने लगा रखे हैं। थर्माकोल थोड़ा सा उड़ जाता है, ये देखिए अब ऐसे ओपन करेंगे तो ऐसे खुलता है। ये फुल साइज है स्कैन करने के लिए, स्कैन तो ऊपर में कर लिया जाएगा। ये अंदर की मशीन है, ये टेप निकालने पड़ेंगे आपको सारे। बाकी के इंस्ट्रक्शन इन्होंने दे रखा है, अब इसे पढ़ लीजिएगा, इंस्ट्रक्शन जरूर पढ़िएगा, बहुत ज़रूरी है। संभाल के बाकी टेप निकालिए, ये टेप निकाल लीजिए, ये टेप निकाल लीजिए, ये देखिए इसने पूरा दे रखा है मैनुअल कैसे आपको निकालना है इसको। ये देखिए यहाँ पे सपोर्ट दे रखा है कि आप इसको ज़्यादा ओपन नहीं कर सकते, इतना ही ओपन करिएगा। एक बार निकालना पड़ेगा क्योंकि एक बार तो निकालेंगे नहीं तब तक ये चलेगा। तो फ्रेंड्स देखिए इसको निकालने के बाद, जब आप मैंने इसे निकाल लिया है, जब आप इसको निकालें तो इसमें एक कैप लगा था, यहाँ पे कैप लगा था जो कि ये था, ये कैप यहाँ से निकालना पड़ता है आपको। और ये एक और कैप लगा था, ये मैंने इसको निकाल दिया है, इसको निकालना था। तो फ्रेंड्स इस स्ट्रिप को पूरा मुझे निकाल लेना है जितना भी है, ताकि कार्टेज तो फ्रेंड्स मैंने स्ट्रिप को निकाल दी, जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये पूरी स्ट्रिप काफ़ी लंबी है, तो ये मैं सोचिएगा कि इसको ना निकालें तो इसे निकाल लेंगे। फिर आप कार्टेज को थोड़ा सा शफल कर लेंगे ताकि इंक पूरी फैल जाए इसके अंदर जो भी होते हैं, आपकी मर्जी आप करना चाहें चाहे ना करें, बट कभी कभी इसकी वजह से हाथ से हाथ में भी इंक लग जाता है थोड़ा सा, तो फिर इसको हम पुट करके देखते हैं। ये देखिए सेटल हो गया, अब इसको बंद कर दिया हमने, ये हम ये ट्री सपोर्ट को लगा देंगे। थोड़ा सेट नहीं हो रहा है, इसको संभाल के सेट के बाद ये हम यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे। ये देखिए जुड़ गया, इसको अपने हिसाब से आप पेज इसमें आप पेज यहाँ पे लगाते हैं पेज, तो अपने हिसाब से कितना लगाना है आप कर सकते हैं। अब ये फ्रेंड्स मुझसे सेट नहीं हो रहा है, इसको आप देख लीजिएगा। अब देखिए मैंने यहाँ पे वायर यहाँ पे कनेक्ट होगा, ये वायर लग गया, इसको आपको कनेक्ट करना पड़ेगा सपोर्ट में। तो फ्रेंड्स ये मैंने यूएसबी भी कनेक्ट कर दी है अपने लैपटॉप से, अब ये मैं इस प्रिंटर का सॉफ्टवेयर यहाँ से डाउनलोड कर लूँगा। ये देखिए आपको सर्च करना पड़ेगा HP M126 ड्राइवर डाउनलोड, और ये वेबसाइट खुल जाएगी।
यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो ये 109 MB की फाइल डाउनलोड हो जाएगी। ये देखिए जैसे कि आप देख पा रहे हैं, तो देखिए डाउनलोड हो गया। ये डाउनलोड हो रहा है। ये स्टार्ट हो गया है। तो फ्रेंड्स ये यहाँ से ऑन होता है, इस पर दबाएंगे ये ऐसे साउंड आएगा, फिर ये सेटअप करने लगा। तो मेरी कंपनी है तो मैं अपनी कंपनी का सेटअप कर रहा हूँ। नेक्स्ट करके पासवर्ड मैं आपको नहीं दिखा सकता, तो ये देखिए वायरलेस का पासवर्ड डालती है। मेरी वाईफाई नेटवर्क से कनेक्ट हो जाएगा तो मैं कभी भी इस पर अपना वायरलेसली डाटा ट्रांसफ़र कर सकता हूँ, मतलब प्रिंट वगैरह स्कैन हो रहा है, मतलब काम हो रहा है, कॉन्फ़िगर हो रहा है। ये कनेक्ट हो गया तो मुझे यूएसबी केबल लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं अपने नेटवर्क से कहीं से प्रिंट कर सकता हूँ। ये सबसे अच्छी बात है, क्यों मैं यूएसबी केबल लगा के वेस्ट करूँ, तो इसलिए मैंने वायरलेसली कर लिया है, जो कि मेरे लिए अच्छी बात है। कन्फिगर करा है वायरलेसली इंस्टॉल करने के लिए, थोड़ा टाइम लगेगा फ्रेंड्स। फ्रेंड्स मेरा पेपर मैंने देखिए लगा दिया यहाँ पे, इसके बीच में और ये यहाँ इसके बीच में लगाना होता है, लगा दिया मैंने पेपर, और ये कनेक्ट भी हो सकता है, हो गया है मतलब। और ये मैं ऑथेंटिकेट करने आ रहा हूँ, ऑथेंटिकेशन पूरा हो गया, जेन्युइन पीसी है। अच्छा जेन्युइन इंक कर रहा था जैक। और ये नेक्स्ट करते हैं, टेस्टिंग कर लेते हैं। पेपर ले रहा है, पेपर ले लिया उसने, और ये टेस्ट पेपर निकाल लिया, क्योंकि टाइमिंग टेस्ट भी सक्सेसफुल हुआ। सारी डिटेल टेस्टिंग सही है फ्रेंड, तो अगर आप देखें तो प्रिंट क्वालिटी भी अच्छी है, अभी तो नई इंक है तो ठीक है, अब सेकेंड टाइम जब इंक डलाएंगे तो देखते हैं क्या होता है। तो फ्रेंड्स लास्ट प्रोसेस चल रहा है, वायरलेसली मैंने कर दिया ताकि मुझे बार बार वो ना करना पड़े। फ्रेंड्स नॉर्मली
ऐसे मैंने पूरा प्रोसेस कर दिया। तो फ्रेंड्स बाकी कुछ बचा नहीं है, जो कुछ होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं अगर कुछ एक्स्ट्रा अगर पूछना है तो। फ्रेंड्स अगर आपको अच्छा लगा तो मैंने लिंक में डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप उसे से बाय भी कर सकते हैं। फ्रेंड्स आपको कैसा लगा प्लीज़ मुझे बताइएगा, कमेंट और रिव्यू ज़रूर दे दीजिएगा अपना। आपका क्या एक्सपीरियंस है, कोई इशूज़ फेस कर रहे हैं तो मुझे बताइएगा, तो मैं उसको चेक करके आपको रिप्लाई करूँगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं, बाय फ्रेंड्स।